सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? तैयार होकर तो बहुत सेफ एंड सिक्योर होंगे। तो भाई आज ना अपन जा रहे थोड़ा दीदी के साथ डिनर करने, क्योंकि बहुत दिन हो गया था अपन गए नहीं है। और क्या बोलते, कैमरा का भी पार्टी देना था, दो तीन चीज और की पार्टी देना था, वो मैं आने वाले समय में बताऊंगा कि क्या चीज़ के लिए लोग आए थे। तो अभी चलते हैं एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, ठीक है? सो गाइस, देख सकते हो आ गए रेस्टोरेंट, मतलब भोजनालय है बोलो या होटल बोलो, जो भी बोलो, है ना। तो गाइस यहाँ पे ना मैं बचपन से आ रहा हूँ, अभी अंदर चलते फिर आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि बहुत प्राउड है। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर जिन लोगों को नहीं पता ये कहाँ पे है, तो ये है अपना नंदनी रोड के सामने, ये जो है ना अम्बे मेडिकल के डायरेक्ट इधर साइड, देख सकते हो, है ना, नाम पढ़ लो, है ना। तो अभी ज़्यादा बातचीत बाहर नहीं करते, क्योंकि वो बहुत हल्ला हो रहा है, तो अभी अंदर चल के बात करते हैं, ठीक। गाइस अंदर आ चुके हैं, एंड मैं बताऊँ आप लोगों को, ये मतलब होटल की खास बात, या भोजनालय है तो भोजनालय के हिसाब से बता देता हूँ। तो हम लोग इसको होटल बोलते हैं पहली बात, है ना। और ये मैं बता दूँ कि ना, जब से हम लोग छोटे से थे तब से हम लोग आते हैं, हाँ छोटे से मतलब समझ जाओ सब से, तो हम लोग पापा के साथ आते थे, पापा मम्मी लोग के साथ, अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है, पर अभी आज सिर्फ हम लोग आए हैं, फिर मम्मी पापा लोग के लिए खाना पैक करा लेंगे। तो और एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी तक वो नहीं बदली है, मतलब देखो भाई, ये देखो अपना मेनू बोर्ड है, है ना, और वैसे ही है भाई जैसे बचपन से रहता है कार्डबोर्ड में, है ना। तो मतलब इस होटल का ना, होटल का कुछ भी नहीं बदला है, मतलब वैसे का वैसे ही है, और भाई यही बहुत अच्छा लगता है, क्यों सारे ये मूड नहीं रहा है, क्योंकि ये मेरा फेस ट्रैक कर रहा है ना। बता कैसा लगता है? बहुत सही है। अभी अभी हम लोगों ने मंगाया स्पेशल राजस्थानी का दाल बाटी चूरमा, अभी आप लोगों को वो भी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है कैसा नहीं, एंड फिर उसके बाद थोड़ा डिनर खाएंगे, है ना। क्यों भाई, है ना। तो चलो अभी अपना इंजॉय करते हैं फूड और थोड़ी बातचीत करते हैं। सो गाइस ये अपना आ चुका है दाल बाटी चूरमा, है ना। एंड ये गाइस अभी हमने एक प्लेट इसलिए मंगाया है क्योंकि भाई देखो इसके बाद ना खाना भी आ रहा है, क्योंकि यही इतना हैवी हो जाता है, क्यों बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए हमने अभी ये हाँ पर बहुत सही भी होता है, अब आना और ज़रूर ट्राई करके जाना। तो अभी मैं इसका थोड़ा सा टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। सो गाइस अभी ट्राई करते हैं अपना दाल बाटी, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बस ये बता रहा हूँ, अब आ रहे हैं इसको खा लिया भाई, और सब लोगों को मालूम है क्योंकि मैं बचपन से खाते हुआ हूँ, एंड आप लोग भी आना, ठीक है। एंड आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो दाल है ना गाइस, ये पांच प्रकार की उससे बनती है ना, किससे किससे बनती है, हाँ चना दाल, येलो वाली दाल। सो अभी हम लोगों को बस दो तीन दाल का नाम मालूम है, चलना ज़्यादा नहीं मालूम है, अगर मेरे को भैया लोग मिलते हैं तो मैं आप लोगों से उनसे बता बोल दूंगा बताने, तो उन लोग बता देंगे, ठीक है। एंड आपको, एंड ये देखो भाई क्या औसम चूरमा है, है ना, कैसा लगता है चूरमा, मैं तो खाता हूँ, तो अभी खाना आता है तब मैं आप लोग से मिलता, ठीक है। सो गाइस अभी हमने मंगाया है डिनर, मतलब जो खाना है वो बैगन का भरता है, एंड ये रोटी घी वाली, है ना, और ये अभी तक बाटी खा रही है, बताओ खाना आ गया और बाटी खा रही है। सो गाइस ये मतलब बहुत टेस्टी खाना है, आप लोग खाना और खा के जाना, अभी तो मैं खाऊंगा ही, और मैं पहले भी खा चुका हूँ इसलिए मैं जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, दीदी को भी दीदी से भी पूछवाता हूँ क्यों क्यों, हाँ और यहाँ का खाना एकदम घर जैसा होता है। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हो, भिलाई में नहीं रहते हो, तो इधर आ सकते हो, राजस्थानी भोजन आता है, जिन लोगों को पता है वो भाई आ जाओ, एंड जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, लहसुन चटनी भी ट्राई करना, और हाँ यहाँ की स्पेशल लहसुन चटनी है तो वो भी ट्राई करना। तो अभी मैं आप लोगों को खाना खाने के बाद ही मिलता हूँ, तो चलो अभी चल। सो गाइस दीदी को खाना था डेजर्ट, एंड यहाँ के फेमस भी है ये अपना काय के लड्डू बोलते हैं इसको, भूल गया, लड्डू एंड पेड़ा, पेड़ा एकदम मावा जैसा लगता है भाई, है ना, है ना, है ना, लड्डू लड्डू बोले तो मतलब नेक्स्ट लेवल वाला, और इनकी रेसिपी मुझे लग रही, मतलब यहाँ के कभी नहीं पता आज तक नहीं, अंकल बोलते यही तो सीक्रेट है बेटे,
है ना। तो अभी अंकल से अगर बातचीत होगी तो करवा दूंगा। एंड मैंने अपने लिए स्पेशली लड्डू मंगाया है, दीदी पेड़ा मंगाती है ना, दीदी को पेड़ा अच्छा लगता है, लड्डू क्यों नहीं अच्छा लगता? तो अगर आप लोग की बहन भी ऐसी बोलती है हमेशा तो जस्टिस होना चाहिए, ठीक है? तो जस्टिस और अभी ना लिख देना नीचे कमेंट बॉक्स में। तो अभी लड्डू इंजॉय करते हैं एंड भाई बहुत सही रहता है। मेरा लड्डू है बहुत एक नंबर। अंकल कब से चला रहे हो आप भोजनालय, ये तो बताओ। 1987 मतलब बहुत ओल्ड शॉप है मतलब। हाँ मतलब हम लोग बचपन से यहीं पे आ रहे हैं। एंड आप लोग अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप लोग को अंकल मिलेंगे, तो बहुत सही अंकल है, तो आके मिलना जरूर जाना। और अगर आ रहे हो तो अगर आप लोग आओगे तो मेरा नाम जरूर लेना कि यहाँ से आए थे, ठीक है? तो चलो थैंक यू अंकल, एंड आते बातें। सो गाइस घर आ गया था मैं, एंड भाई बहुत टेस्टी खाना था एंड बहुत टेस्टी दाल बाटी थी। एंड हाँ भाई अगर आप लोग को जाना है तो वहाँ की टाइमिंग मैं बता देता हूँ। टाइमिंग होगी भाई शाम को 5 से लेके 10-10:30 तक खुला रहता है, एंड सुबह भी 10 बजे से लेके दोपहर तक थोड़ा खुला ही रहता है, 1-2 बजे तक। तो मतलब हाँ बीच में थोड़ा ग्रैप रहता है क्योंकि फिर शाम की प्रिपरेशन करना रहता है ना, तो इसलिए। तो गैस ये ब्लॉग यहीं तक था, एंड आप लोग इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो कर लो, Abhinav2048 करके यूज़र नेम है इंस्टाग्राम में आईडी। एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।